हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शो। वी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं वो वाली मूवीज की अदर देन टाइगर थ्री जो थिएटर्स के अंदर चल रही हैं। किस तरीके का उनका बिजनेस हो रहा है, क्या टाइगर थ्री से इनको कुछ इम्पैक्ट आया है या नहीं आया है, क्या ये स्टैंड अलोन धीरे धीरे चलते चले जा रही हैं। आंसर इज येस एंड नो। कुछ मूवीज़ हैं जो कि तमिल तेलुगु मूवीज हैं, कुछ हिंदी मूवीज़ भी हैं जैसे कि ट्वेल्थ फेल, जो कि अपने बलबूते पर ठीक ठाक चल रही हैं। तो बात करते हैं, वैसे जिन्होंने टाइगर थ्री का डे थ्री का कलेक्शन मिस कर दिया उनके लिए सिर्फ मैं नंबर बता देता हूँ। आज 30 करोड़ रुपए के आसपास की कलेक्शन आई है, कल 59 की आई थी। ये कोई ड्रॉप नहीं है, ये ऑर्गेनिक है क्योंकि बहुत हद तक छुट्टी जो है वो क्लोज हो चुकी है। कल भैया दूज की फिर से आधी जगहों पे छुट्टी है, तो हो सकता है कि कल सिमिलर नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन मेरी बेट जो है वो करीबन करीबन जस्ट अबाउट 20 करोड़ रुपीज़ के आसपास की मैं हायर बेट लगाऊंगा। तो इसका जो टोटल कलेक्शन है वो 135 करोड़ रुपीज़ है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 250 प्लस करोड़ रुपीज़ आज हो जाएगा। बात करते हैं जिगर थंडा की, जो कि तमिल मूवी है और इसके अंदर एस जे सूर्या भी हैं और इसके अंदर लॉरेंस भी हैं और दोनों ने ठीक ठाक एक्टिंग करी है। एस जे सूर्या ने ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करी है। डे फाइव का कलेक्शन है 2 करोड़ रुपये, कल 7 करोड़ था। तो हर जगह थोड़ा थोड़ा ड्रॉप आएगा क्योंकि वर्किंग डे हो जाता है। तो 23 करोड़ है, 25 करोड़ रुपीज़ इंटरेस्टिंगली, और ठीक ठाक मूवी आपको हंसाती भी है। जो मार्वल है वो डे फाइव का जो कलेक्शन है वो बिल्कुल ही नीचे जा चुका है। ये एमसीयू की सबसे ख़राब मूवी मानी जा रही है। 90 लाख रुपये सिर्फ इसने बिजनेस किए, 9.2 करोड़ की, और जैसे कि मैंने आपको बताया था शायद हम कल से इसको कवर भी नहीं करेंगे, तो 14-15 करोड़ रुपीज़ के आसपास ये क्लोज कर जाएगी। तो फिर नो पॉइंट डिस्कसिंग एवरी डे, इतना ये करके फिर ये क्लोज हो जाएगी। जापान से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि कार्तिक की मूवी है, ठीक ठाक है। डे फाइव का जो कलेक्शन है वो 1 करोड़ रुपए है, कल 3 करोड़ रुपए था, 15 करोड़ रुपए टोटल हो गया। ये शायद इसके ऊपर फ्लॉप का तमका भी लग सकता है क्योंकि जिस स्पीड से ये जा रही है ऐसा लग रहा है कि मिड 20s में जाके ये रुक जाएगी, और फिर मिड 20s में अगर ये रुकती है तो इसका मतलब है कि ये फिर लॉस मेकिंग प्रपोजिशन एटलीस्ट थिएटर के लिए अगर बिजनेस की बात करें तो हो जाएगा ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को। लियो की बात करते हैं, डे 27 में 25 लाख रुपए, इसको भी हम कल से कवर नहीं करेंगे। मोटा मोटा लेवल पे 338.25 करोड़ कर लिया है, हायर साइड पे 345 करोड़ रुपीज़ धीरे धीरे करके थिएटर्स में लगे लगे जब तक ये ओटीटी के ऊपर नहीं रिलीज होती है। ओटीटी पे भी जल्दी रिलीज होने वाली है, जो मैं अपने दूसरे चैनल मूवी शो भी एक्सप्रेस पे कवर कर लूँगा। वहाँ पर रिलीज होते ही ये बिल्कुल ही नीचे चला जाएगा, हायर साइड पे 345 करोड़ रुपीज़ करके ये एंड हो जाएगी। ट्वेल्थ फेल का क्या हो रहा है, ट्वेल्थ फेल का डे 9 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, 19 डे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि 1.8 करोड़ कल किया था, आज भी 1.1 किया, तो 1 के ऊपर का रेशो चलाना उस टाइम के ऊपर जब बाकी मूवीज़ जो हैं जो नई आई हैं वो भी इतना ही कर रही हैं, तो ये अच्छी बात है। लोगों को कॉन्टेंट बहुत पसंद आ रहा है और अच्छा कॉन्टेंट वर्ड ऑफ माउथ की वजह से आगे जा रहा है। तो जैसे मैंने कल बोला था, इसमें अगर कोई छोटा मोटा और एजेंडा होता तो ये और आगे चली जाती है। मैंने जोकिंगली कहा था बट ये ट्रू भी है कुछ सेंस के अंदर। जिन लोगों को रियल इंस्पिरेशन चाहिए वो जरूर देख के आए इसको। 32.9 करोड़ कल तक था, 34 करोड़ रुपीस हो गया है। मेरे को लगता है नेट ये घूम फिर के 50 करोड़ रुपीस का बिजनेस रखने का पोटेंशियल रखती है, या फिर ये कह सकते हैं कि 45 से 50 करोड़ रुपीस के बीच में कहीं ये इवेंचुअली एंड करेगी। 50 हो जाएगा तो एक अच्छी अचीवमेंट हो जाएगी और लोगों को थोड़ा सा एक भरोसा हो जाएगा कि कंटेंट ड्रिवन भी चीज़ बनाएंगे जो कि दिल को छुएगी, अच्छा एक्टर होगा उसके अंदर, स्टार भी नहीं होगा चाहे वो अपने आप स्टार बन जाएगा, तो ये अच्छी हिम्मत बढ़ेगी लोगों की। तो आई वुड जस्ट विश फॉर दिस मूवी टू टच 50 करोड़ रुपीस नेट इन इंडिया, विच विल बी अप्रॉक्सीमेटली 60 करोड़ रुपीस के आसपास वर्ल्ड वाइड। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ के साथ। देखो, जितने भी लोग लड़ झगड़ रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि लड़ो झगड़ो नहीं, और इस चैनल पे मत लड़ो झगड़ो, क्योंकि यहाँ पर हम हर एक्टर और हर मूवी को सेलिब्रेट करते हैं, किसी को किसी के फेवर में बात नहीं करते हैं। जो रिकॉर्ड्स आते हैं वो ऑर्गेनिकली रिकॉर्ड आते हैं, तो सलमान खान ने एक रिकॉर्ड बना लिया तो शाहरुख खान वाला चढ़ गया, शाहरुख खान वाला सलमान खान से चढ़ गया, और वैसे भी आप ट्विटर पर जाओगे तो एक दूसरे को माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। तो जस्ट स्टॉप दिस और ये मत करो इस चैनल के ऊपर, और अगर आपको लगता है आपको करना ही है तो इस चैनल पे मत करो, उसको कृपा करके अनसब्सक्राइब कर दो। आप जहां करना चाहते हो वहां करो, यहां पर कम लोग अच्छे लेकिन ठीक ठाक लोग ही चाहिए जो सिर्फ सिनेमा को एंजॉय करें, ये गंदगी ना मचाएं।